आज की नौ बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और नौ बड़ी खबर से पहले सीधे सबसे पहले आपको बता दें, आज हमारे शो का जो टीजर है, आज जो शो की हमारी थीम है, परमाणु प्लेबुक। परमाणु प्लेबुक, महायुद्ध होके रहेगा। लेकिन पहले इस वक्त की नौ बड़ी हेडलाइंस। नौ बज चुके हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर फिर भड़का रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। अब जर्मनी को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने की दी चेतावनी। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना की हार, पुतिन के लिए राजनीतिक चुनौती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया दावा, यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा पुतिन के साथ बातचीत अब असंभव है। रूसी कब्जे से यूक्रेनी इलाकों को छुड़ाने के बाद निकलेगा निष्कर्ष। सीएनएन की रिपोर्ट, इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में शांति के लिए एक और प्रयास करेगा तुर्की। उज्बेकिस्तान में पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रस्ताव रखेंगे अर्दोगान। एक और पीस टॉक, एक साल में 87% बढ़ा तुर्की का रूस को एक्सपोर्ट। तुर्की एक्सपोर्ट असेंबली के हवाले से टास की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर, खारकीव में यूक्रेन की सेना को लगातार मिल रही है सफलता। जवाबी हमले में रूसियों की संख्या 8 से 1 कर दी। 2 साल में पहली बार चीन से बाहर निकलेंगे शी जिनपिंग। सेंट्रल एशिया के दौरे पर प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे जिनपिंग। चीन में कोरोना, इस वक्त एक और बड़ी खबर, चीन में कोरोना लॉकडाउन के बीच खाना जरूरी चीजों की भारी कमी। करीब 30 इलाकों में रह रहे लाखों लोग दिन रात घर में रहने को मजबूर। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को अंधेरे में रहने के लिए किया मजबूर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनर्जी संकट के बीच पीओके में बिजली परियोजना को अधर में छोड़ा। आइए अब आपको दिखाते हैं नौ बड़ी खबरें। सीधे ध्यान से देखिए किस तरीके से क्या कुछ हुआ है यहां पर, यह देखने वाली बात है। सबसे पहले आपके सामने जो खबर है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर फिर भड़का रूस। यहां पर फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से लेटेस्ट दावा किया जा रहा है कि पुतिन को अपने मुल्क के अंदर ही बड़ी दुश्वारियों का सामना कर सकना पड़ सकता है। नीचे टिकर ऑन करें। यहां पर पुतिन के साथ बातचीत अब असंभव है, जेलेंस्की ने यह कह दिया है। यूक्रेनी इलाके छुड़ाने के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। उज्बेकिस्तान में बड़ी खबर है, यूक्रेन में शांति के लिए एक और प्रयास करेगा तुर्की। उज्बेकिस्तान में पुतिन से बातचीत करेंगे एर्दोगान, जो एससीओ समिट के लिए वो जा रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर है कि तुर्की का रशिया को जो एक्सपोर्ट है वो 82% से ज्यादा बढ़ गया है, ये इंफॉर्मेशन है। खारकीव में यूक्रेन की सेना को लगातार मिल रही है सफलता और वहां पर जो रेशो है रशिया वर्सेस यूक्रेन 8:1 का है। सेंट्रल एशिया के दौरे पर पुतिन से मिलेंगे शी जिनपिंग, जो कि पहली बार 2 साल में पहली बार कोरोना काल के बाद बाहर निकलेंगे। करीब 30 इलाकों में रह रहे लाखों लोग घर में रहने को मजबूर हैं। चीन में खाने पीने का जबरदस्त संकट हो गया है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। चीन ने पाकिस्तान को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, कह दिया है कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है।